एक बार जून 84 के जो कुछ होया जो तारा ऑपरेशन होया नहीं तारा साखा होया श्री अकाल तख्त साहब तक या हरमिंदर साहब तक टैंकर नाल उड़ा दिते गए और उस तो बाद जो कुछ है मतलब ये जून 1984 का साका ना भुलने योग एक जिसन असी जून 2015 का साका कहने हैं वह भी ना बख्शन योग है बिल्कुल मतलब साढ़े तो रूह कंब जाती है जो भी असी गल बेअदबी की करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जिन्होंने शब्द गुरु असी कहने गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यही कहा कि कथावाचक से भाई हरजिंदर सिंह माधी वो एक जगह के उत्ते कथा कर रहे हैं कथा तो प्रभावित होकर कुछ डेरे के जिहड़े पैरोकार सीगे जिहड़े उन्होंने डेरा मुखी सिरसा डेरा मुखी राम रहीम के जिहड़े लॉकेट गल दे विच पाए हुए सीगे जिन्होंने उन्हों का नाम लिया होया सीगा वो उन्होंने उन्होंने लॉकेट जिहड़े राम रहीम के उतार के वो सिट दिते उत्थे फिर जिहड़े कुछ होर सज्जण सीगे या डेरा जिहड़ी कौमी उन्होंने कमेटी सी उन्होंने कहा भी फिर सानू की करना चाहिए उन्होंने कहा सानू बदला लैना चाहिए इस सारे कार्य का फिर जो मुख्य साजिशकर्ता वह महेंद्रपाल बिट्टू कोटकपुर का रहने वाला किसी वेले साइकिल के उत्ते बिस्कुट वेचता होता अच्छा। कि कौन उत्थे गड्डी लैके किहड़ी जगह के उत्ते बुरजवार सिंह वाला जिहड़ा है गुरद्वारा किवें गए कितों अंदरों उन्होंने सरूप चुकया किने चुकया कौन गड्डी दे विच लैके आया गड्डी किहड़ी सीगी उस गड्डी नूं फिर कितों लैके गया कि किते किते हवाले कीते वो सारी कमांड उस वेले महेंद्रपाल बिट्टू कर रहा सी देखो इस तरह जिहड़ी तां इह रिपोर्ट है परमार दी रिपोर्ट है उहदे विच तां इही है बिल्कुल इह सिटे दे उत्ते पहुँच गए हैं कि असी ये जिहड़े दोषी ने और बिल्कुल मुजरम ने और उन्हां दे कबूलनामे भी इन्हां दे कोल ने जो टीम ने दावा कीता है कि वो साडे कोल ने पंजाब दे विच इस समय सब तो वड्डा मुद्दा बेअदबी का मुद्दा चल रहा है लगातार सियासी पार्टियां इस सब ते लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि एक पार्टी ने बेअदबी कराई है तो दूजी पार्टी उसते इंसाफ दवा रही है तो तीजी पार्टी कहती है कि दोनों पार्टियां ने उस बेअदबी ते ना किसी ने इंसाफ दवाया ना किसी ने दोषियों को सज़ा दवाई है तो लगातार इस सब ते सियासत तो चल ही रही है पर उस दे विचकार अज एस आई टी के वलों जो दोबारा हाईकोर्ट ने एस आई टी बनाई सी आई जी पर परमार की अगवाई के हेठ उस एस आई टी ने वड्डे खुलासे किए ने वो की खुलासे किए ने सारे तुहानू दसांगे अते बहुत वड्डे जिहड़े खुलासे होए ने इस एस आई टी वल्लों किए गए ने कि बेअदबी क्यों हुई किसने की ते किन्ना कारना करके हुई ये सारे खुलासे तुहानू दसदे आ कि एस आई टी ने अज खुलासे किए ने साडे नाल सरदार दर्शन सिंह मक्कड़ होरी मौजूद ने 40 साल तो पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हां दे नाल असीं ये सारी डिस्कशन करांगे कि ऐसे वड्डे खुलासे होए ने जिस दे नाल सियासत एक बार फिर पक चुकी है मक्कड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है जी शुक्रिया सर किहड़े आई जी परमार वाली अगवाई च जिहड़ी एस आई टी बनी है की अजिहे खुलासे कर दिते ने कि सियासत च एक बार फिर भांबड़ मच गया सनम जी मैं एस पी एस परमार दी जांच कमेटी के खुलासों तो पहला एक गल जरूर करनी चाहना कि देश विदेश विच वसदा हर पंजाबी हर सिख जिहड़ा नानक नाम देवा जीव है धरती ते जिहड़ा भी वसदा है वो जून दे इन्हां दिनां नूं कदी भुला नहीं सकदा बिल्कुल क्योंकि एक बार जून 84 के जो कुछ होया सीगा जो तारा ऑपरेशन होया नहीं तां तारा साखा होया श्री अकाल तख्त साहब तक या हरमिंदर साहब तक टैंकर नाल उड़ा दिते गए और उस तो बाद जो कुछ है मतलब ये जून 1984 का साका ना भुलने योग बिल्कुल एक जिसन असी जून 2015 का साका कहने वो भी ना बख्शन योग है बहुते आम लोगों को इस गल की समझ नहीं पैंदी या देर नाल पैंदी है कि ये जून 1984 के साके बारे तो पता है पर जिहड़ा जून 2015 का साका वो की है ये मैं दसना ही चाहना कि जून 1984 का साका जो वापरिया उदों गुरपुरब मनाया जा रहा शहीदीपुरब मनाया जा रहा है उत्थे दरबार साहब के बहुत बड़ी संगत उत्थे गिनती हाजर सी उत्थे जिन्हां मस्तक होण आई सी ये जिहड़ा सीगा एक जून 2015 नूं बुरज जवाहर सिंह वाला जिहड़ा गुरद्वारा साहब है उत्थे उहदे विचों गुरु ग्रंथ साहब का सरूप जिहड़ा है वह चोरी किया जाता है हुण तुसीं इह सवाल पुछिया सीगा कि एस पी एस परमार की जिहड़ी विशेष जां टीम है जिहड़ी सिट है
उन्हें की खुलासे किए हैं या क्यों किया। सब तो पहला तो आप पिछोकड़ जाने कि यह होया क्यों, बेअदबी को अंजाम क्यों दिता गया, एड्डी वड्डी संगीन जी मतलब कार्रवाई अपराध है जो बिल्कुल मतलब साढ़े तो रूह कंब जाती है जदों भी असं गल बेअदबी की करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जिन्होंने शब्द गुरु असं कहने गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यही किया, क्योंकि दस गुरु साहिबान जोड़े पहला हुए थे वो साढ़े को फिजिकल तौर के उत्ते साढ़े को शरीरक रूप के जीवत रूप के साढ़े को लेकिन उस तो बाद शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब साडा जोड़ा गुरु है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु किया उस सरूप में उतो चोरी कर लेना उसका निरादर करना उसका एक अंग जोड़ा है जी फाड़ के उत्ते सुट देता गलिया के रूढ़िया के नहर के जोड़ा है सारा कुछ गया। हुण सवाल है भी इस घटना को अंजाम क्यों दिता गया, ये जो खुलासा किया है एस पी एस परमार की विशेष जांच टीम ने जो खुलासा किया बड़ा सनसनीखेज वो ये है कि कथावाचक से भाई हरजिंदर सिंह माझी वो एक जगह के उत्ते कथा कर रहे हैं, कथा तो प्रभावित होकर कुछ डेरे के जोड़े पैरोकार से जोड़े उन्होंने डेरा मुखी सिरसा डेरा मुखी राम रहीम के जोड़े लॉकेट गल के पाए हुए जिन्होंने उन्होंने नाम लिया हो जिन्होंने उन्होंने नाम लिया होगा उन्होंने उन्होंने लॉकेट जोड़े राम रहीम के उतार के वह सिट दते। ये कितने की घटना ये उस इलाके दे विच है। अच्छा जी उत्थे जदों उन्होंने ये देखा भी साढ़े गुरु की बड़ी बेअदबी हो रही है वो राम रहीम नूं एक जीवत मतलब वो है क्योंकि उन्होंने सौंग भी वही रचाया सीगा ते वो भी बेअदबी हो रही है ते असी इन्हां दे गुरु की बेअदबी करते हैं इस सारी साजिश का या जिहड़ा राम रहीम जिहड़ा इस वेले संगीन अपराधा दे विच जिहड़ियां डेरे दियां दो मासूम बालड़ियां जिहड़ियां उत्थे सीगियां उन्हां दियां पैरोकार सीगियां उन्हां दे नाल बलात्कार दे मामले दे विच इस वेले जेल दे विच है हरियाणा दी सनौरिया जेल दे विच है उहदे विच बंद है उहदा उन्होंने उहदा एक बहुत करीबी सीगा महेंद्रपाल सिंह बिट्टू कोटपुरे दा रहण वाला वो बहुत करीबी सी इन्होंने अपनी एक कौमी कमेटी बनाई हुई है नैशनल कमेटी जिहड़े मैंबर से उन्होंने जिहड़े डेरे के बहुत मुखी राम रहीम के करीबी सी उन्हें महेंद्रपाल बिट्टू ने उन्होंने को गल की कि इस तरह साड़ी तो बहुत बेअदबी हुई है गुरु जिहड़े साढ़े राम रहीम ने उन्होंने लॉकेट जिहड़े उत्ते उतार के सिंघां ने उत्ते सिट दित्ते ने पैरां दे विच रुलदे असीं देखे गए उत्थे फिर जिहड़े कुछ होर सज्जण सीगे या डेरा जिहड़ी कौमी उन्हां दी कमेटी सी उन्होंने कहा भी फिर सानू की करना चाहिए उन्होंने कहा सानू बदला लैना चाहिए इस सारे कार्य का फिर जिहड़ा मुख साजिश करता वह महेंद्रपाल बिट्टू कोटपुरे दा रहण वाला किसी वेले साइकिल दे उत्ते बिस्कुट वेचदा हुंदा सीगा बिस्कुट वेचदा वेचदा उस तो बाद फिर कोटपुरे दे विच उहने बेकरी दी दुकान खोली सी उसने फिर वो जो संपर्क के छे बंदे जोड़े थे जी उन्होंने ये सारी वारदात को अंजाम दिता जी उन्होंने एक हैगा जी सुखजिंदर सिंह सन्नी। अच्छा सब तो करीबी महेंद्रपाल बिट्टू का विश्वास पत्र से कलोज से तो डेरा राम रहीम जोड़ा डेरा मुखी है वो नेड़ा सुखजिंदर सिंह सन्नी एक है जी दूजा शक्ति सिंह है एक है जी रणजीत सिंह पोला एक बलजीत सिंह निशान सिंह तो प्रदीप सिंह ये छे होर सज्जन ने जिन्होंने जिहड़ी पहली रणवीर सिंह खटड़ा वाली डी आई जी रणवीर सिंह खटड़ा वाली टीम सी उन्होंने भी इन्हों ही नामजद किया उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया उन्होंने जेल के भी इन्हों बंद किया हवालात के भी बंद किया केस चले इन्होंने खिलाफ है पर इस मानता के उत्ते आ गए ठीक है। इस तो बाद जदों हाई कोर्ट के मामले उत्ते कोटपुरा गोलीकांड का उन्होंने रिपोर्ट जी कुंवर विजय प्रताप वाली रद्द कर दी एक पास दूसरी अगर नवी कमेटी बनाओ जी ये दो कमेटियां सीगियां एक एस पी एस परमार वाली जी बेदबी मामले की जाँच नहीं बनाई गई थी इन्होंने बहुत तेजी के नाल और बड़े उस ढंग के नाल जो पेशेवर पहुँच होंगी है वो पहुँच अपना के तो सारा कुछ उत्ते देखा इन्होंने इन्हों का पिछा किया दूसरा किया सारा कुछ जदों ये बिल्कुल सिद्ध साबित हो गया भी यही बंदे दे दोषी ने यही मुलजम असल जे मुलजम ने उन्होंने फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक की दसी जाती है 16 मई 2021 पिछले महीने यानी कि 16 मई उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह की है कि उन्होंने पैड नपी उन्होंने उत्ते ड्यूटियां ला दी जे इन्हों टीम के मैंबर से
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਕੇ ਚੁੱਪਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਬੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜਵਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੌਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੈਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲਓ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੀਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SIT ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬਾਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸੀ ਮੇਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿਬਲ ਗਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿਬਲ ਗਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉੱਠਦਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ FIR ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜਵਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੋਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਾਣ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
एक सिंह जिहड़ा कृष्ण भगवान सिंह वो घरों उत्थे सारे बाकी लंगर लैके जा रहे उन्होंने जी संगत उत्थे बैठी हुई सी उन्होंने है और उस वेले तुसी देखो एक बिल्कुल शांतमय माहौल सड़क के उत्ते चौंक के विच जिहड़े हैगे काफ़ी पिछे हट के और नाम बाणी का सिमरन कर रहे हैं पश्चाताप कर रहे हैं साडे गुरु साहिब की जिहड़ी है बेअदबी हुई है तो वो साडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा उत्थे फिर भी अपने मन में शांत करने लई उत्थे गुरबाणी का पाठ कर रहे थे उत्थे गोली चल जाती है और दो सिंह शहीद जिस तरह बेअदबी के दोष जिहड़े ने एक सियासी धिर ते भी लग रहे सीगे डेरे ते तां लग ही रहे सीगे नाल ही उस दे नाल सियासी धिर ते भी लग रहे सीगे उस सियासी धिर लई भी राहत वाली खबर है कि उन्हां ते तलवार नहीं आई वह डेरे ते ही रही है नहीं अजे ये कुछ नहीं कहा जाता हाँ। जिहड़ी गल मैं तुहानूं दसी है ना ये SBS परमार ने जिहड़ी रिपोर्ट मतलब इहदे च हैगी है पर जदों जिहड़ी हुण कोटकपुरा गोलीकांड रद्द हो गई सी लेकिन जिहड़ी बैबर कला वाली कांड की है जांच रिपोर्ट वो वक्री है और उहदे विच जदों सुमेद सैनी जिहड़े उस वेले दे DGP सीगे जदों ये वारदात सारी 15 दे विच हुई है उस वेले अकाली सरकार सी मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सी सुखबीर सिंह बादल कोल गृह मंत्रालय भी सीगा और उस वेले DGP जिहड़े सुमेद सैनी सीगे मतलब उन्होंने 4 घंटे तो वध जिहड़ी सिट है उन्होंने पुछगिछ की उहदे कोल सुमेद सैनी कोल सिर्फ ये पुछया भी सानू इन्ना दस दिओ कि गोली चलाउण दा हुक्म किने दित्ता सी आदेश किने दित्ता सी तुहानू मन्निया भी तू पर उस वेले तां कोई हालात ही नहीं सीगे बैबल कला दे विच देखो जी संगत नाम जप रही है पाठ कर रही है अपने रूह की शांति लई मंदी लई है उन्होंने उत्ते गोली चला देना या फिर दूसरा ये सारिया जिहड़ियां घटनावां ने इंटररिलेटेड ने हुण जदों ये सवाल मामला दूसरियां रिपोर्टां जाणियां ने हाई कोर्ट दे विच जाणियां ने उहदे उत्ते बहस तां होणी है जिहड़े सारे वकील होणे नामी है दूसरी जिहड़े इस वेले सरन जी मैं जिहड़ी गल करनी चाहुंदा ना मामला सब तों वड्डा बेअदबी दा है और उस वेले बेअदबी दे मामले दे विच कई सारे सवाल उठ रहे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उत्ते भी उठ रहे ने मतलब ये भी कई मतलब उन्होंने उत्ते जो पार्टी के अपने वजीर ने विधायक ने यह भी उन्होंने उत्ते दोष ला रहे हैं कि ये जिहड़े हैगे भी बेअदबी मामले दे विच उन्हां दे नाल मिले हुए ने उन्होंने बचा रहे हैं बादल ते परिवार मकसद हुण टाइमिंग ते भी सवाल उठता है कि एकोदम जिहड़े SID ने खुलासे कर दिते ने ते कह दिता कि बेअदबी दे दोषी यही ने ते टाइमिंग नहीं तुहानूं लगता कुछ कि एक पासे कांग्रेस च बहुत कलेश चल रहा उन्होंने अपने विधायक मंत्री खिलाफ होए हुए ने हाईकमान नूं 3 मैंबरी कमेटी बनानी पै रही है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पेश होण जा रहे हैं उस कमेटी के मूहरे तुहानूं नहीं लगता एकदम टाइमिंग कुछ है गड़बड़ देखो एक पत्रकार होने के नाते जे तुहाडे मन दे विच इह गल आई है तो जिहड़े बहुत वड्डे सियासतदान बैठे ने या बहुत वड्डे मतलब इस तरह बैठे ने उन्होंने मन दे विच तां बिल्कुल आउणा ही आउणा है देखो जिहड़ी 3 मैंबरी कमेटी बनाई सी मल अर्जन खड़गे की अगवाई वाली जिहड़ी है उन्होंने 3 दिन हुण पिछे लगातार जिहड़े है वो जिन्ने पंजाब के MP सीगे वजीर सीगे और MLA सीगे उन्होंने बारे बारे सुनिया है जिन्हें सब तो ज़्यादा जिहड़ा इहदे उत्ते सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अटैक करने वाले सीगे वो नवजोत सिंह सिद्धू सी वो भी मिलके आए ने प्रगट सिंह भी मिलके आए ने प्रगट सिंह का तो सीधा ये है कि मैं सिर्फ मैनू ये कोई गल नहीं है मैनू तो धमकी दी गई है मैं उस तो पहला भी मैं उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह चिट्ठी लिख के बड़े सारे मसले उठाए थे ड्रग्स का मतलब नशे का उठाया इलीगल माइनिंग का मामला उठाया दूजा वो सारा कुछ बच्चे धरे धराए गए सब तो ज़्यादा जो हम प्रगट सिंह गुस्सा आया सीगा कि जेडे OSD ने उन्होंने धमकी दी है कि साढ़े को तेरा सारा कुछ तैयार है हम जो तो असं हम अपने तो तैयार नहीं कार्रवाई के मसले किसी वे भी हो सकती है तो क्योंकि उस तो पहला जरा नवजोत सिद्धू के उत्ते जो विजिलेंस की कार्रवाई के उन्हें डाकूमेंट तो सारा कुछ फरोले गए थे वो तो इस गल की सी जी वो है नवजोत सिद्धू का अपना हैगा उन्होंने वो इल्जाम लगे थे भी किसी दूसरी पार्टी में जा सकता से उन्हें क्या कैप्टन ने कहा मैंने कोई एक सबूत दो मेरी किसी नाल कोई मीटिंग हुई होगी ये वक्री गल है हुण जो इन सारे गलबात हो चुकी सी तो कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की वारी थी अज क्योंकि कैप्टन मीटिंग सी कैप्टन मीटिंग हो गई है तो इस गल की वड्डी संभावना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कल जाएंगे मिलेंगे 3 मैंबरी कमेटी को भी राहुल गांधी को भी सोनिया गांधी को भी मिलेंगे तो कल की थान पर परसों हो सकता है अजे पर फाइनल नहीं हो सकया टाइमिंग का बिल्कुल ये कोई शक वाली गल नहीं है मतलब ये गल सिद्ध हो जाएगी कि देखो इस 6 साल हो जाना एक बहुत लंबा अरसा होता है
छे साल मतलब जदों ये बेअदबी के जिहड़े असीं अंडा रहे हैं संताप अंडा रहे हैं साढ़े मन दे विच मतलब लहू जिहड़ा बलूंदिया जांदा सानूं जदों कोई गल इहदी होवे जदों भी बेअदबी की हुंदी है गुरु ग्रंथ साहिब की तो नैचुरली हर जिहड़ा सिख है वह बलूंदिया जांदा हिरदा जदों उहदी रूह कंब जांदी एक तरह नाल उहदे च तो यह सारियां गल्लां दे विच टाइमिंग भी एक बहुत वड्डा सवाल है पर कई बार कोई इंसीडेंट हो जाते हैं संयोग हो जाते हैं क्योंकि 16 मई नूं ये सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं बिल्कुल 16 मई में उन्होंने फट लिया जाता है और उस तो पहला सारा कुछ ये या बात भी चलो तो बात किन्ने दिन लग जाते हैं तो सो उन्होंने जी है भी 1 जून में गल खुलासे करते जो अज 2 मई में मतलब मीडिया के सामने या सारे हल्कों के चर्चा का विषय बनी हुई है ये जी रिपोर्ट है बिल्कुल परमार की छिट की रिपोर्ट है जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तो ये सन साडे नाल सरदार दर्शन सिंह मक्कड़ जी जिन्होंने आप गलबात की है कि SIT ने हुण खुलासे कर दिते ने कि वालों बेअदबी की गई सी किहड़े कारण करके उन्होंने बेअदबी की सी तो एक हिसाब के नाल दोषियों फड़ भी लिया दावा कर रही है SIT जिहड़ी IG परमार की प्रधानगी दे हेठ SIT बनी सी तो उन्हों का दावा है कि हुण असी बेअदबी की जिहड़ी गुत्थी है वह सुलझा ली है दोषियों असी फड़ लिया तो उन्होंने कबूलनामे भी साडे कोल हैगे ने तो दूजे पासे टाइमिंग ते भी सवाल उठता है कि कांग्रेस दे विच जो कुछ चल रहा है बेअदबी नूं लैके नवजोत सिद्धू होरां दा स्टैंड उही है कि बेअदबी का इंसाफ दिता जाए या होर भी जिहड़े विधायक या मंत्री ने सुखजिंदर रंधावा होरी ने वह भी कहिंदे सी कि बेअदबी का इंसाफ जिहड़ा नहीं मिलिया तो उस करके कांग्रेस दे विच कलेश जारी सीगा ते कल या परसों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी वह हाईकमांड वालों बनाई गई 3 मैंबरी कमेटी के अगे पेश होना तो टाइमिंग ते भी जरूर सवाल उठते हैं पर हुण ये आने वाला समा ही दसेगा कि कैप्टन साहब उत्थे जदों जांदे ने तां की हुंदा ते उस तो बाद पंजाब दी सियासत दे विच की हुंदा ते वाकई की बेअदबी का इंसाफ लोगों नूं मिल गया या नहीं ये भी कुछ आने वाले समय के ही तुहानूं पता लग जाएगा तां देरे अपडेट्स सानूं जुड़े रहो कैमरामैन सतन मठाड़ू दे नाल अते दीपक दे नाल लुधियाना टाइम्स।